नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेन चौहान। आप देख रहे हैं बाईसी टेक करियर चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक मोटिवेशन टॉक देने वाला हूं, जिस मोटिवेशन टॉक के माध्यम से आप कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पे डिमोटिवेट नहीं होंगे और अपने काम में 100% लगे रहेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना, पूरा समझना और इसको गहराई से समझना मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। इन चीज़ों को अगर आपने अपने अंदर लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। कोई भी हेटर्स आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता है आपके चैनल पे। रखें और उसको अपने कई डायरीज वगैरह और सारी चीज़ों में उसको नोट कर लें कि मेरा विजन क्या है, और उस विजन को डेली एक दो बार उसको ज़रूर देखना है आपको कि मुझे मेरा टारगेट क्या है। तो टारगेट को जब आप देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में एक ऊर्जा बनी रहेगी और आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और आप अपने काम में लगे रहेंगे। तो को अच्छे तरीके से कंफर्म करिएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इस स्टोरी से कि आपको किस टाइप का विजन, अपना टारगेट फिक्स करना है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ महाभारत से लेके। महाभारत में पांचों पांडवों के गुरु ने पांचों पांडवों को बुलाया। महाभारत का युद्ध होने वाला था तो गुरु जी को ये संदेह था कि इन पांचों पांडवों में देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा इस युद्ध को विजयी करने में सहयोग करेगा। तो उन्होंने सारे लोगों को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने एक चिड़िया बनाई है काठ की और उस चिड़िया को मैंने इस पेड़ पर रख दिया है और पेड़ पे ये चिड़िया रखी हुई है और इसकी आँख में आपको निशाना साधना है। तो सबसे पहले उन्होंने अपने युधिष्ठिर जी को बुलाया, बोले युधिष्ठिर जी आइए और इस चिड़िया की आँख में निशाना आपको साधना है, लेकिन बाण को तभी छोड़ना जब मैं बोलूँ आपको। तो युधिष्ठिर अपना धनुष बाण लेके आए और उन्होंने निशाना साधा। बोले गुरु जी ने सबसे पहला क्वेश्चन किया, युधिष्ठिर इस चिड़िया की आँख में आपको क्या दिख रहा है? तो उन्होंने कहा इस चिड़िया की आँख में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये काठ की चिड़िया है और इसकी आँख दिख रही है। ठीक है, गुरु जी ने कहा ठीक है, और क्या दिख रहा है? बोले और चिड़िया के आसपास पत्ते दिख रहे हैं, चिड़िया एक डाली पर बैठी हुई है। बोले ठीक है, आप धनुष बाण लेके वापस आ जाओ। इस तरीके से उन्होंने चार पांडवों को और बुलाया, उनमें से तीन पांडवों ने भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर ऐसे ही दिए। लास्ट में उन्होंने अर्जुन को बुलाया कि बोले अर्जुन आप आइए और चिड़िया के निशाना आपको लगाना है इसकी आँख में। तो उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आता हूँ, मैं चिड़िया की आँख में निशाना लगाता हूँ। तो उन्होंने गुरुजी ने क्वेश्चन किया, फिर वही क्वेश्चन किया, आपको क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा चिड़िया पेड़ पर बैठी है। बोले और क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया की आँख दिख रही है। बोले और क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया की पुतली दिख रही है। बोले और क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया की पुतली में चमक दिख रही है। तो दोस्तों इससे आप समझिएगा, वो अर्जुन जो थे वो अपने टारगेट के अंदर जा रहे थे, उनका फिक्स था टारगेट, वो उसके अंदर जा रहे थे। तो गुरुजी ने उनको वापस लिया, बोले आ जाओ अर्जुन, वापस आ जाओ, बस आप सारे पांचों पांडवों की परीक्षा हो चुकी है, मैं जान गया कि अर्जुन ही इस युद्ध को फतेह करेंगे। और तो इस तरीके से अगर आपका टारगेट फिक्स है, आपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट बनाया है और आपने कहा कि आज 10 हो गए हैं, कल 20 हो गए हैं, परसों 50 हो गए हैं, इस टारगेट को लेके चलते चले जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब आपके 100 सब्सक्राइबर हुए और 10 सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर गए तो आप डिमोटिवेट होंगे, या किसी ने कमेंट्स कर दिया तो आप डिमोटिवेट होंगे, या किसी ने अब्यूज कर दिया तब आप डिमोटिवेट होंगे। नहीं, इन चीज़ों को नहीं देखना है। कोई भी आए चैनल पे सब्सक्राइब करे और अनसब्सक्राइब कर जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। आपका टारगेट सिर्फ है डेली या हफ्ते में, या जो भी आपका टारगेट आपने बनाया है वीडियो का, तो उसको वीडियो को डालना। आपका टारगेट है वीडियो को अच्छा बनाना, आपका टारगेट है वीडियो में और क्वालिटी निखारना, आपका टारगेट है वीडियो के ऑडियो की क्वालिटी को निखारना। तो दोस्तों टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह निखारते चले जाएंगे, वीडियो को निखारते चले जाएंगे, एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा वादा है। दोस्तों कभी भी चिड़िया के चारों तरफ
का मत देखिएगा, कहने का मतलब आप अपने चैनल के चारों तरफ का जो माहौल है उसको मत देखिएगा, लोगों के कमेंट्स को मत देखिएगा, आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर आप कितना निखार रहे हो इस चीज़ को देखिएगा, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी दोस्तों, ये मेरा वादा है। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।